दोस्तों स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला मोस्ट रनिंग सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है आज भी दर्शकों के बीच अपनी वही पॉपुलैरिटी कायम रखे हुए है। तो वहीं सीरियल की टीडी मीडिया और सस्पेंस भरी कहानी भी दर्शकों को काफी पसंद आती है। इसके साथ ही आजकल सीरियल में काफी कुछ नया और मजेदार दिखाया जा रहा है, जहां अब नायरा की मौत का सीक्वेंस भी आप सभी को जल्द दिखाया जाएगा। वेल इसके अलावा सीरियल के हर एक कलाकार का एक अलग ही फैन बेस है, जिसमें चाइल्ड एक्ट्रेस आना शर्मा यानी कि मिस्ट्री का नाम भी शामिल है। और आज हम सीरियल में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस अपने किरदार को बखूबी निभाने वाली प्यारी सी आना शर्मा के बारे में ही आपसे बात करने वाले हैं। अगर आप भी एक्ट्रेस आना शर्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के तक जरूर बने रहिए। वेल दोस्तों, आज छोटी सी आना शर्मा पहले से काफी बड़ी हो गई है और काफी ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल भी नजर आती है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी आना शर्मा अपने क्यूट लुक्स को लेकर अक्सर ही सुर्खियों का हिस्सा भी बनी रहती हैं। बता दें कि आना शर्मा ने सीरियल में नमन और मुस्कान की बेटी का किरदार निभाया था। वो सीरियल की कहानी में आपको कई सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिले होंगे, जहां छोटी सी मिस्ट्री का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने अपनी क्यूटनेस से सभी की मुश्किलों को आसानी से सॉल्व कर दिया था। वह सीरियल में मिस्ट्री का किरदार काफी नटखट और समझदारी वाला था, जिसे एक्ट्रेस आना शर्मा ने बखूबी निभाया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी ये सीरियल देखा है तो आपको नमन और मुस्कान की छोटी सी बेटी मिस्ट्री के बारे में जरूर मालूम होगा, जिन्होंने सीरियल में अपनी क्यूटनेस और प्यार भरे डायलॉग से सभी को हैरान कर दिया था। बता दें कि टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है साल 2009 में टेलीकास्ट हुआ था। तो वहीं आना शर्मा का जन्म भी 13 फरवरी 2009 को ग्वालियर में हुआ था। आपको बता दें कि सबसे पहले आना शर्मा को एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए एक्टिंग करते हुए देखा गया था। हैरानी की बात यह है कि तब आना शर्मा महज 11 महीने की थी और उनके पिताजी अखिलेश, जो कि पेशे से एक इंजीनियर थे, उन्हें आना के लिए मुंबई आना पड़ा, जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए और स्क्रिप्ट लिखने लगे। तो वहीं साल 2016 से लेकर साल 2017 और 2019 में आना शर्मा ने टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मिस्ट्री का किरदार निभाया और इस किरदार से छोटी सी आना शर्मा टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन गई। वह इसके अलावा आना शर्मा कई बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं, जिनमें वो इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों के साथ बड़े पर्दे पर एक्टिंग करती हुई दिखाई दी हैं और उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया भी है, जिसके लिए उन्हें काफी सराहा भी गया। उनके किरदारों की बात करें तो मिस्ट्री फिल्म टाइपराइटर में सैम का किरदार निभा चुकी हैं। फिल्म T3N में आना शर्मा उस सदी के महानायक के साथ भी काम करते हुए नजर आई थी। इसके अलावा एक्ट्रेस फिल्म मेरी प्यारी बिंदु में बंधु का किरदार निभाते हुए भी नजर आई हैं और एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ कूल मॉम्स में भी नजर आ चुकी हैं। वह आजकल सोशल मीडिया पर आना शर्मा के लगभग 80,000 से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। तो वहीं आना शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपने फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करती रहती हैं। बता दें कि आना शर्मा बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस पर एपिसोड 50 से 60 हज़ार रुपए भी फीस लेती हैं। वेल दोस्तों, आपको सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मिस्ट्री के बारे में सभी बातें जानकर कैसा लगा और आपको छोटे से मिस्ट्री का ये क्यूट ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।